हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। शाम के बज रहे 4। शाम के टाइम मैं ऐसे अपनी बालकनी में आके थोड़ा सा चिल कर लेती हूँ, फ्रेश एयर में खाती हूँ रोज एक फ्रूट। मैंने रिसेंटली गाइस आपके साथ में क्वारंटीन वेट मैनेजमेंट प्लान शेयर किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो का लिंक ज़रूर मिल जाएगा। वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना गाइस, क्योंकि अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी में हो, नहीं भी हो, तो भी आप नहीं चाहते हो राइट घर पर बैठ बैठ के आप खा वा के वेट गेन कर लो, तो उस लिए मैंने एक मैनेजमेंट वेट मैनेजमेंट डाइट प्लान बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। उसमें मैंने जैसे कि मेंशन किया है, रोज इवनिंग में मैं एक फ्रूट लेती हूँ। आज मैं खा रही हूँ मस्क मेलन। ऐसा नॉइजी लग रहा होगा बैकग्राउंड, क्योंकि सब अपने अपने बालकनीज यूज कर रहे हैं घर की। इवनिंग के टाइम सोसाइटी में मोस्टली सब लोग बालकनी में आके बैठ जाते हैं, लाइट इशू हो रहा है शायद। एंड बाय द वे गाइस, ये मेरे लाइफ का फर्स्ट कोलैब व्लॉग है किरण दी के साथ, ऑब्वियसली माय फेवरेट। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा लाइफ का फर्स्ट कोलैब जो है मेरी फेवरेट यूट्यूबर के साथ हो रहा है। तो दीदी ने आप लोगों के साथ बाय द वे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर किया है विद रेसिपी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था चीला वगैरह के बारे में, तो दीदी ने एक चीला रेसिपी भी शेयर कर दी है। तो जब तक मैं मेरा फ्रूट खा लेती हूँ ताजी ताजी हवा में, आप जाके मॉर्निंग रूटीन देख लो, हेल्दी मॉर्निंग रूटीन इंडियन मोमेंट ड्यूटी का। मॉर्निंग, मैं हूँ किरण, इंडियन मोमेंट ड्यूटी यूट्यूब चैनल। दीदी ने आपको काफी बार मेरे बारे में बताया है और बात की है, बट अगर आप नहीं जानते तो मैंने अपना नाम और चैनल बताया है। और आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगी जो कि एक हेल्थ से रिलेटेड होगा। मुझे पता है कि इस चैनल पर काफ़ी सारी फिटनेस की बातें होती है, लाइफस्टाइल की बातें होती है, तो डेफिनेटली मुझे भी अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में आपको दिखाना चाहिए, तो वही आज मैं आपको दिखाऊंगी। आई रियली होप कि आप पसंद करेंगे। और इतना ही नहीं, रितु के ऊपर मैंने एक छोटा सा प्रैंक किया था और एक एक्सरसाइज रूटीन जो कि लॉकडाउन के लिए स्पेशल रितु ने बनाया था, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी मेरे चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अरे आपको कोलैब नहीं करना है क्या? अरे मैंने आपको लिंक सुपर भेजा दीदी। आप बहुत लाइटली नहीं ले रहे हो अपने करियर को दीदी। मैंने आपको मंडे बोला था ना, मैंने उसके आपसे बात की थी मैसेज में, तो मैंने बोला था मंडे, तो मैंने मंडे के लिए आपको आज ही वीडियो भेज दिया सुबह में। नहीं आप बिल्कुल सीरियस नहीं हो यार, मुझे ये कोलैब सही नहीं लग रहा है। ऐसा मॉर्निंग रूटीन जो कि मेरे पूरे परिवार को हेल्दी बनाने में बहुत ही यूजफुल है। चलिए फिर देखते हैं। तो मेरे चैनल के जो भी वीडियो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में रितु मेंशन कर देगी, आप चेक कर सकते हैं। सुबह के ऑलमोस्ट 8:30 होने को आए हैं, 8 बजे मैं उठी हूँ। उठकर फ्रेश होकर सबसे पहले किचन से ही शुरुआत होती है, क्योंकि हमारे फैमिली को अगर हमें हेल्दी बनाना है तो शुरुआत किचन से होती है। यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है, ये लगभग 2 ग्लास पानी है। स्पेशली मैं एक पानी बनाती हूँ जिसे एम्प्टी स्टमक पीने से आपके हेल्थ में काफ़ी सारे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। फर्स्ट आपका डाइजेशन अच्छा होता है, सेकंड आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, थर्ड आपका डाइजेशन अच्छा होगा ना तो आपकी वेट लॉस में भी हेल्प होगा, एंड कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बॉडी का घटता है। मतलब इसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स है, आप रीड कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं जीरा वाटर। तो जीरा वाटर में मैं थोड़ा सा और भी चीज़ें डालती हूँ जो कि मुझे एक्चुअली मेरे डाइटिशियन ने लिख कर दिया है। पहले जब लॉकडाउन नहीं था तो इसमें तुलसी के पत्ते और पुदीना के पत्ते भी पड़ते थे, लगभग 1 ग्लास बनाने के लिए 6 से 7 तुलसी के पत्ते और पुदीना के पत्ते पड़ते थे, पर अभी लॉकडाउन में तुलसी एंड पुदीना नहीं है। तो यहाँ पर लगभग 1 बड़ा चम्मच ना जीरा मैं डालती हूँ, उसके बाद 1 बड़ा चम्मच सौंफ डालती हूँ और लगभग 1/2 चम्मच अजवाइन, और इसे मैं तब तक उबालती हूँ जब तक 2 ग्लास में से 1 ग्लास पानी बचना चाहिए, 1 ग्लास पानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और इसे सर्व करते समय इसमें
थोड़ा सा नींबू का रस डालकर सर्व करती हूँ। तो ये होता मॉर्निंग ड्रिंक फॉर राज एंड मी। और यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, अम्मा के लिए ओट्स रख दिया है। ओट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, बीपी के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है। अगर आपको दूध वाले ओट्स नहीं पसंद है तो नमकीन ओट्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है। और ये सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी रितु ने आपको कई बार बताया होगा, एंड आई एम श्योर कि अगर आप रितु का चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें लेते भी होंगे। बट अगर इन केस अभी तक आपने नहीं स्टार्ट किया है तो मैं भी आपको बोलूँगी रितु की तरह कि स्टार्ट करिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ भिगो कर रखा था, ये है मूंग दाल। ये मूंग दाल बिना छिलके वाली मैंने रात में ही भिगो कर रखी थी और ये बहुत अच्छे से भीग चुकी है। मूंग दाल को अगर आप 4-5 घंटे पहले भी भिगो देते हैं तो भी अच्छे से भीग जाती है। तो कुछ इस तरह से ये भीग कर अच्छे से फूल चुकी है और इसी का आज नाश्ता बनेगा। और आप सब तो जानते हैं कि मूंग हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन इससे अच्छा होता है, बहुत ही हल्का फुल्का होता है पचने के लिए। और इसके चीले ना बहुत ही स्वादिष्ट भी बनते हैं, बच्चे हों या बड़े हर कोई मांगेंगे कि यार नाश्ते में चीले बना दो। तो आज मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ। उसी के साथ मैं बताना चाहूँगी जो कि आपको कई बार इतने भी बोला होगा कि सुबह के समय चाय कॉफ़ी या दिन में चाय कॉफ़ी अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट तो होते ही है। और साथ ही साथ ना वेट लॉस की जर्नी पर अगर आप है, वैसे मैं किसी भी वेट लॉस जर्नी पर नहीं हूँ जिस तरह का मैं डाइट दिखा रही हूँ, बट बॉडी हेल्दी रहनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके बॉडी को वेट लॉस की ज़रूरत ना हो, बट आप इसका मतलब ये नहीं ना कि हेल्दी रहने के लिए कुछ ना करें। तो हेल्दी रहने के लिए आपको थोड़ी बहुत चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। तो वही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये डाइट करना चाहिए या कोई भी करना चाहिए। और मैं आपको यही बोल रही थी कि चाय एंड कॉफ़ी से दूर रहिएगा इस, क्योंकि सुबह सुबह चाय कॉफ़ी पीना मतलब आप शुगर इनटेक कर रहे हो और साथ ही साथ ना ये हमारे बॉडी को एक्चुअली अंदर से डैमेज भी करता है। और खाली पेट तो चाय कॉफ़ी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जब तक हम चाय ना पिए कॉफ़ी ना पिए हमें प्रेशर नहीं बनता, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें मतलब फ्रेश नहीं लगता, बट ये सच नहीं है। एक बार आप इस लाइफस्टाइल को बदल कर देखें रियलाइज़ आपको खुद होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिक्सर जार ले लिया है, इसमें लगभग 1.5 टमाटर डाल रही हूँ क्योंकि मेरी दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है, लहसुन डाल रही हूँ और मिर्ची डाल रही हूँ। अब ये ऑप्शनल है, आपको ज़्यादा कम करना कर सकते हैं। अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो उसे भी डाल सकते हैं, आपको इसमें प्याज डालना है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको डालनी है वो ऑप्शनल है। अगर आपको ये सब नहीं भी डालना है, सिर्फ प्लेन खाना है, तो आप सिर्फ प्लेन दाल को पीस दीजिए। और ये देखिए ये भिगोई हुई दाल को मैंने इसमें डाला, स्वादानुसार नमक और हल्दी। अगर आप स्किप करना चाहे तो कर भी सकते हैं, इसका पीला कलर वैसे ही आएगा और हल्दी की वजह से और अच्छा कलर आएगा। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें पानी मिला लिया है और इसमें पानी जा सकता है। अगर आपको ये गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा और पानी डालकर इसे पतला कर सकते हैं, कुछ ही ऐसे दिखेगा टेक्सचर। अब बनाएंगे चीले, जो कि बनाने काफ़ी आसान है। अगर आपको चीले बनाने इतने अच्छे से नहीं आते तो आप छोटे छोटे पैनकेक जैसे बना दीजिए। बेसिकली चीलों का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो मैं तो इन्हें डोसों की तरह बनाती हूँ क्योंकि मैं डोसा तवा पर बनाती हूँ और ये आराम से डोसों की तरह बन जाते हैं और क्रिस्पी भी बन जाते हैं। थोड़ा सा पतला बनाओ तो क्रिस्पी बनते हैं, थोड़ा सा मोटा बनाओ तो चीला बन जाता है। तो मैं थोड़ा सा पतला बनाती हूँ क्योंकि वो क्रिस्पी वाला ना घर में हर कोई पसंद करता है। और अगर आप बहुत पतला नहीं भी बनाएंगे तो भी इसके चीले हल्के से पतले हो जाते हैं। बस तेल जो है वो थोड़ा लगाइएगा, ऐसे बहुत सारा लगाएंगे तो फिर हेल्दी रहने का मतलब नहीं रहेगा।
अच्छे से भून भून के ही पक जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिख रहा है। सो हमारा चिकन ऑलमोस्ट पक गया, देखो हम इस तरह से चेक कर लेंगे। देखो चिकन हमारा पक गया है, अपना जो कर्ड था उसने अच्छा खासा पानी छोड़ा था जिसमें ही अच्छे से पक गया है, कर्ड के पानी में ही पकाया है इसको। एंड साइड में आप देख रहे हो, साइड में आप देख रहे हो उसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो यस, हमारा चिकन हो चुका है रेडी। और इतना सारा पाउडर इसलिए लगा है क्योंकि गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बाल वाल भी ऐसे ऊपर बांध दिए है। हेयर वॉश कितना भी कर लो ऐसे लग रहा है हेयर वॉश किया ही नहीं, मैंने गैस बंद कर दी, बस इसे मैं अभी निकाल लूँगी बर्तन में। कितना भी हेयर वॉश कर लो कभी लगता नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा घमोरी हो गई, अगर आप देख पा रहे हो ये सब, तो बहुत ज़्यादा घमोरी हो गई है मुझे गर्मी की वजह से। मैं बहुत ज़्यादा स्वेट करती हूँ एंड मैं वर्कआउट भी करती हूँ ना, उस वजह से स्वेटिंग का इशू देख लो, बस 2 मिनट किचन में गई और इस तरह से। और मॉमी आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो क्या, कर दे यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे मम्मा, बस सबका यही रूटीन चालू है। और टी वी पे चल रहा है तारक मेहता ऑल टाइम फेवरेट टाइम पास। बस डिनर रेडी हो चुका है, चिकन हमारा, आप में से बहुत लोग चिकन अवॉइड कर रहे होंगे, हमने काफ़ी दिन अवॉइड किया बट स्टडी कर करके यही समझ में आया अकॉर्डिंग टू अस कि चिकन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमने खाना स्टार्ट कर दिया। सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है राइट। बस अभी जाएंगे चपाती बनाना, चपाती बनाने के बाद करेंगे हम लोग हमारा डिनर। मैं ज़रूर प्लेट में डिनर लेने के बाद मैं शेयर करूँगी आपके साथ, लाइट्स मैंने अभी ऑन की तो मैं डिनर आपके साथ शेयर करूँगी। बट तब तक एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, मैं सेटल होकर बात करती हूँ। हाँ, तो आप में से बहुत लोग मुझे हमेशा बोलते कि दीदी पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के बारे में कुछ बताओ, एंड मैंने आपको हमेशा यही आंसर दिया कि इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, तो मुझे नहीं पता है कि किस तरह से यू नो आप बेसिक चीज़ें कर सकते हो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस करने, पोस्ट प्रेगनेंसी बैक टू शेप आने। बट किरण दी ने आप लोगों के लिए शेयर किया है उनकी स्टोरी, उनका एक्सपीरियंस, लाइक अनिका होने के बाद दीदी बैक टू शेप कैसे आई थी, उन्होंने वेट लॉस कैसे किया, लाइक उन्होंने पूरा अपना स्टोरी आपके लिए शेयर किया है। तो और ये रिक्वायर्ड था लाइक फिटनेस एंड लाइफस्टाइल के लिए, तो दीदी की आप स्टोरी सुन लो। जब तक बस मैं चपाती बना लेती हूँ, एक्चुअली किचन में व्लॉग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं चपाती वगैरह बना के डिनर आपके साथ मैं शेयर करूँगी एंड खा पी के आराम से फ्रेश होके आपसे मिलती हूँ। पर तब तक आप दीदी की पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस स्टोरी सुन लो। काफ़ी देर बाद मैं आपको मिल रही हूँ, वैसे नहा धोने के बाद अब जब मुझे समय मिला है, तो मैंने सोचा कि मैं जब एक ऐसे फिटनेस वाले चैनल पर हूँ जहाँ पर हर किसी ने सब्सक्राइब मोस्टली अपनी फिटनेस के लिए ही किया होगा क्योंकि ये चैनल फिटनेस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करता है, तो डेफिनेटली मैं भी आपको अपनी छोटी सी फिटनेस कहानी बताऊँ। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आज के दिन में मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। बट जब अनिका हुई थी, मतलब लगभग 8.5 साल पहले जब मेरी डिलीवरी हुई थी, उसके बाद मैंने किस तरह से अपने वजन को कम किया था वो मुझे बताना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यस उस समय मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की थी आफ्टर डिलीवरी। और आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो वैसी औरतें भी देख रही होंगी जो कि आफ्टर बेबी डिलीवरी के बाद अपने वजन को कम करना चाहती होगी, थोड़ा सा फिट होना चाहती होगी या थोड़ा एक्टिव होना चाहती होगी या अपने वजन को कम करना चाहती होगी। तो मैंने क्या किया था, जब अनिका हुई थी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और जब 6 महीने मेरे हो गए थे, मैंने 6 महीने तक कोई भी वर्कआउट नहीं किया था क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 3 महीने बाद आपको वर्कआउट चालू करना है अगर आप चाहते हो तो, बट हाईली सजेस्टेड रहेगा कि 6 मंथ्स के बाद करो। एंड मैंने ये डॉक्टर की बात मानी, मैंने 6 महीने के बाद अपने बॉडी पर ध्यान देना चालू किया। सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग, मैंने ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल नहीं रोका, मैंने अनिका को लगभग 1.5-2 साल तक दूध दिया है अपना खुद का, और ये इसीलिए क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीड करते हो ना, तब आपके बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसे गलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। हमें ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए अच्छा है पर उतना ही ज़्यादा अच्छा माँ के लिए भी है, तो दोनों के लिए काफ़ी अच्छा। तो मैंने ये एक चीज़ की थी।
सेकंड चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने ना योगा स्टार्ट किया था, मुझे योगा बिल्कुल नहीं आता था और 8.5 साल पहले जब अनिका हुई थी तब ना यूट्यूब पर योगा की कोई ऐसी वीडियोस भी नहीं थी जो आपको इतनी ज़्यादा हेल्प करे। जैसे आज के दिन में अगर आप वीडियोस देखें तो आपको कितनी सारी यूज़फुल वीडियोस यूट्यूब पर मिलती है, पर तब नहीं मिलती थी, और मिलती भी थी तो इतना अच्छा इंटरनेट स्पीड नहीं होता था और क्वालिटी वीडियोस की इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो मन भी नहीं होता था ज़्यादा, और टीवी पर वगैरह यूट्यूब चलता नहीं था, बहुत सारे नखरे थे। तो अब कैसा हो गया, बहुत कन्वीनियंट हो गया है, टीवी पर चलता है, मोबाइल पर इतना स्मूथ चलता है, हर जगह चलता है यूट्यूब। तो इसलिए मैंने ना योगा टीचर लगाया था, ठीक है। योगा टीचर मेरी हफ्ते में 3 दिन आती थी और योगा टीचर सिर्फ 40 मिनट्स आकर हमें योगा करवा कर जाती थी, और मैंने सबसे पहले अपने लिए एक पार्टनर ढूंढा था जो मेरी ही तरह 6 महीने पहले डिलीवरी की थी, हुई थी उनकी भी, और मैंने सबसे पहला पार्टनर इसीलिए ढूंढा क्योंकि कोई रहता है ना तो आप बहुत अच्छे से वो चीज़ कंटिन्यू कर पाते हो, वरना अकेले रहते हो ना तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम इतनी डेस्परेटली नहीं करते, पर कोई अगर है तो डेफिनेटली अच्छे से हो जाता है। तो ये सेकंड चीज़ मैंने की थी कि मैंने पार्टनर अपने लिए एक ढूंढा था जो कि इस सारे चीज़ में मेरे साथ ही वो भी कर रही थी। उसके बाद हम लोग दोनों ही वॉक के लिए निकल जाते थे, मेरी बिल्डिंग में बहुत सारा चलने के लिए एरिया था तो हम दोनों अपने बच्चों को प्रांग में डालते थे और खूब घूमते थे, बहुत चलते थे। तो चलना फिरना योगा इन सब की वजह से हमारे वेट पर काफ़ी असर पड़ा, और इतना ही नहीं हम लोग डाइट बिल्कुल नहीं ले रहे थे पर घर का ही खा रहे थे और बाहर का तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते थे। उस 6 महीने के बाद भी मैंने बाहर का फूड जो है ना 1 मंथ ही बाहर का खाया होगा, वरना मैं रोज़ घर का ही खाती थी और क्वांटिटी बहुत नहीं रखती थी कि भाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खा लिया, मैं थोड़े थोड़े क्वांटिटी में खाना खाती थी। जब मुझे फील होता था कि पेट भर गया है तो फिर मैं वहाँ पर अपने खाने को स्टॉप कर देती थी। इस तरह से भले दिन में मैं 4-5 बार खाऊँ बट क्वांटिटी में खाऊँ वो मैंने फिक्स कर रखा था। तो ये सारी चीज़ों ने ना मुझे उस समय बहुत हेल्प किया था। मैं बता दूँ मेरा जो 6 to 7 kg एक्स्ट्रा वेट था आफ्टर डिलीवरी वो हार्डली मैंने 1.5 या 2 महीने में ख़त्म कर दिया था, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी और तब मैंने अपने वेट को लगभग 53 या 54 kg कर दिया था। अब तो खैर मैं 57 या 58 kg की हूँ लगभग, बट उस समय मैंने इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें कर ली थी, बस योगा, थोड़ा सा वॉक में लगभग 30 to 40 मिनट्स कंटिन्यूसली करती थी, एंड अपने डाइट पर मैंने ध्यान दिया था, फल वगैरह खाने चालू किए थे और पानी मैं खूब पीती थी। मैं उस समय टारगेट बनाती थी कि मुझे इतनी बॉटल्स पानी की ख़त्म करनी है। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे उस समय काफ़ी हेल्प किया था अपने वेट को रिड्यूस करने में और बैक टू माई हैप्पी वाली लाइफ, मतलब फिट वाली लाइफ में लाने के लिए। एंड ये एक चीज़ है ना, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी देती है। तो एक बार सोच के देखिए, करके देखिए अगर आप सोच रहे करने का तो, और अगर इन फ्यूचर में कभी डिलीवरी वगैरह करते तो भी आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी, यहाँ पर मैं रितु को बाय बोलूँगी, यहाँ से आगे रितु जो है कंटिन्यू करेंगी, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, मेरा फ़ोन भी बज रहा है, बाय रितु, बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। रात को आपके साथ डिनर शेयर करने के बाद मैं घर के काम ही नहीं ख़त्म हो रहे, बस वो काम वाम ख़त्म करके सोने आ गई थी। अभी टाइम हो रहा है 11:30, लेट मॉर्निंग, ऑब्वियसली देर इज़ नथिंग स्पेशल मॉर्निंग में करने के लिए, बस घर ही का काम है एंड लेज़ी तो हो ही चुके हैं सब, एंड सुबह उठ के कोई फ़ायदा नहीं होता, राइट, काम वाम नहीं है ज़्यादा, घर का ही काम रहता है, वो तो मम्मी सुबह में थोड़ा सा देख लेती है, अभी मैं जाके टेक ओवर कर लूँगी। हेयर ऑयल कर रही हूँ, बाल अच्छा सा स्पा मांग रहे हैं, बट अभी मैं कहाँ से दूँ, तो मैं करूँगी हेयर केयर घर पे ही।
अच्छे से हेयर ऑयल लगाऊंगी और ये ब्लॉग को करते हैं यहीं पे। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है, डेली ब्लॉग भी है, किरण दी भी है इस ब्लॉग में, तो आपने इन्जॉय तो ज़रूर किया होगा। इन्जॉय किया है ना तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। किरण दी को अगर आप अभी तक नहीं जानते हो तो गाइज इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी इनका यूट्यूब चैनल है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बट अब हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किरण दी का यूट्यूब आईडी मिल जाएगा। एंड दीदी के चैनल पे एक वीडियो आया है मेरा और दीदी का, जहाँ पे मैंने होम वर्कआउट शेयर किया है फुल बॉडी के लिए, वेट लॉस के लिए। तो दीदी का जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वो भी चेक कर लेना। एंड अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस एंड वीडियो को बहुत सारा लाइक करना। बाय गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान दो एंड एंजॉय करो इसी तरह से हमारे वीडियोज एंड यमी यमी खाना खाओ, बट वेट लॉस का ध्यान देते हैं तो उसके लिए जो होम वर्कआउट वीडियो है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाय।